सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा 2017 में हो रही है, जो 22 सितंबर 2017 को हुई है, उसमें जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में, ठीक है, ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप हमसे हमारी वेबसाइट edujos.com पे जुड़ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे हमारा edujos1 के नाम से न्यूमेरिकल जो है वो पेज बना हुआ है, और टेलीग्राम पे edujos के नाम से चैनल है, ठीक है। आइए देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सवाल हमने आपको एक मानव शरीर से संबंधित वीडियो बना के दिया था, उसके क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल वही बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और आने वाले दिनों में भी पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिएगा ये सवाल दोबारा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं उस वीडियोज़ के अंदर, तो आप उस वीडियो को देखिए जो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी गई कितनी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में बताया कितनी है, पहले कितनी थी, कितनी बार बता चुका हूँ भाई, बहुत बार बता चुका हूँ, तो हमारी सारी वीडियो को देखिए, रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हुए हैं। सचिन ने अपने करियर का आखिरी मैच किस मैदान में खेला था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। उसका देखिए, पहला कुशाण शासक पूछा गया, ये कनिष्क प्रथम है। उसके बाद URL का फुल फॉर्म पूछा गया, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, तो ये URL का फुल फॉर्म है। उसके बाद 2017 का जो है ICC चैंपियन ट्रॉफी जो है वो कौन जीता था 2017 का? पाकिस्तान जीता था। द गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका पुस्तक के लेखक हैं यशवर्धन शुक्ला। उसके बाद GDP का फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। उसका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। उसका देखिए, बैटरी की खोज किसने की? तो ये की थी वोल्टा ने, ठीक है, बैटरी की खोज की थी किसने? वोल्टा ने, लगभग 1800 ईस्वी में की थी। उसका देखिए, कबड्डी विश्व कप 2016 किस देश ने जीता? भारत ने जीता। सिंधु जल समझौता, ये भी बता चुका हूँ हमने लास्ट वीडियो में, किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है। तो ये पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच है, तो पाकिस्तान के बीच है। अभी मेरे ख्याल से एक या दो दिन पहले की वीडियो में बताया हुआ ये चीज़। उसके बाद बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय पर यह हुआ था बंगाल विभाजन। उसका WW की खोज किसने की? कई बार बता चुके हैं, सबसे CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली। उसका देखिए, भारत में और पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में। देखिए, भारत में मुफ्त में व्यापार करने का फरमान किसने दिया था? मुफ्त व्यापार करने का फरमान जो है वो जहांगीर ने दिया था। मानव शरीर में कितनी हड्डियां? देखिए, उसी शरीर वाली, मानव शरीर वाली जो बीमारियां और मानव शरीर में हड्डियां, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें टोटल पूछे। मानव शरीर से संबंधित जो वीडियो है वो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर देखिएगा आप लोग, इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। मानव शरीर की कितनी हड्डियां हैं? तो वो है 206। और भी हड्डियों के बारे में बताया गया हम वीडियो में। अनब्रेकेबल पुस्तक किसने लिखी है? मैरी कॉम ने। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा किस देश के साथ जो है वो सीमा शेयर करता है? भारत जो है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा जो है वो बाउंड्री शेयर करता है? तो करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, निर्वात में अगर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम जो होगा उसमें क्या होगा? तो वो होगा अनंत होगा, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद जो है कि यूनेस्को के बारे में पूछा गया, यूनेस्को पीस प्राइज 2017 किसको मिला था? गिसेपियाना मारिया निकोलिनी को, ठीक है, इनको मिला था। उसका देखिए, मुद्रा योजना कितने वर्गों में? देखिए, पिछली वीडियो में बताया मुद्रा योजना से संबंधित सवाल पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि तीन तरह के लोगों को मिलता है, वो तरुण और एक युवा, ठीक है, तो वो उसमें कितने कितने अमाउंट मिलता है वो भी हमने बताया, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट जो पिछली वीडियो थी। उसका जो है देखिए, कला रत्न अवार्ड जो है वो 2017 किसको मिला है? तो ये मिला अनुपम खेर को। इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए, उसी वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, वही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। उसका देखिए, रणजी ट्रॉफी 2017 के विजेता तो ये गुजरात। इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए, जे थॉमसन है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी बिहार का एक राज्य है और बिहार से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर बिहार होगा, ठीक है। आइए आगे कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में फिर पूछा गया, ये मैंने उस दिन भी बताया हुआ कि 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। उसका देखिए, GUI कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म पूछा गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कई बार बताया हुआ है और पिछली जितनी भी वीडियो है उन सभी में देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, वो 42वां संशोधन, ठीक है। उसका सबसे लंबी नदी जो नील है वो किस महादेश में? तो अफ्रीका में। शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन देता है, ऑप्शन के हिसाब से वही है कि प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। अभी देखिए, मेकांग गंगा सहयोग के बारे में पूछा गया है,
ठीक है, मेकांग गंगा सहयोग जो है उसमें कितने देश हैं ये पूछा गया, और इससे दो क्वेश्चन है। मेकांग गंगा में जो है वो देश है टोटल छः, ठीक है, कौन कौन से देश हैं, तो देखिए वो है भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम। ठीक है, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत और म्यांमार। तो अब मेकांग गंगा में देखिए क्या है, मेकांग एक नदी है और गंगा एक नदी है, गंगा भारत की नदी है, और मेकांग जो नदी है ना ये लगभग चीन और तिब्बत होते हुए, जो चीन से तिब्बत होते हुए गुजरती है, और ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इन सभी जगह से होकर गुजरती है। तो इनको मिला करके जो है वो 10 नवंबर 2000 में ये मेकांग गंगा सहयोग बनाया गया था जिसमें 6 देश शामिल थे। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होती है ये पूछा गया है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही परमाणु संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। उसका देखिए इलेक्ट्रीशियन रबर के ग्लोव्स, ठीक है, रबर के जो ग्लव्स पहनते हैं उनको क्यों क्यों पहनते हैं रबर के ग्लव्स, तो रबर के जो ग्लव्स पहनते हैं वो कुचालक होते हैं इसलिए, ठीक है, उसमें आपको करंट नहीं आता रबर के ग्लव से, वैसे तो और भी चीज़ें पहन सकते हैं लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है, ग्लव्स जो है वो कुचालक होते हैं तो इस वजह से। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है ये पूछा गया है, तो मालदीव है कंट्री जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में, साउथ में। उसका देखिए परिवहन जो है वो किस क्षेत्र में आता है, परिवहन जो आता है वो तृतीय क्षेत्र में यानी टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है, ये पूछा गया है। ट्रांसपोर्ट जो है वो किस सेक्टर में आता है, तो टर्शियरी तृतीय क्षेत्र में। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो कि तीनों शिफ्ट में पूछे गए, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।